हेलो फ्रेंड, दिस इज अशोक कुमार, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, मैं जेई मेंस पर वीडियो बनाता हूं। तो आज मैं बात करने वाला हूं आपसे कि अगर आपका जेई मेंस में नहीं हो पा रहा है या फिर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, तो आपका अल्टरनेटिव क्या है। आपको बीटेक ही करना है और आप चाहते हो कि मेरी सैलरी, आपकी सैलरी मतलब 1 लाख से ऊपर रहे पर मंथ की, ठीक है, अच्छा खासा आपको पैकेज मिल जाए, तो उसका अल्टरनेटिव क्या आएगा। और मुझे, मैं ये लेके चल रहा हूँ, ये होप लेके चल रहा हूँ कि आपने जेई मेंस का जो फोर्थ सेशन है उसका आपने फॉर्म भरा है और अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। आपका एग्जाम जो भी रिजल्ट है, जब भी आने वाला है, जब भी एग्जाम होगा, आप एग्जाम देने जाओगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपका रिजल्ट हो सकता है, देखो भगवान की कृपा, अगर अगर आपका अच्छा रिजल्ट आ जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आता है तो उसके लिए मैं आपके लिए अल्टरनेटिव लेके आया हूँ आज। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आपके परसेंटेज अच्छे नहीं आए हैं, मतलब कि अगर आपका स्कोर, देखो 10 लाख बच्चे अगर एग्जाम दे रहे हैं तो सिर्फ 10,000 का ही एडमिशन हो पाएगा IIT में, जेई मेंस के अंदर। और कुछ अलग कॉलेजेस हैं जिसमें लेके चलते हैं 1 लाख बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, लेकिन 9 लाख बच्चे जो होंगे जो कि इनका एडमिशन नहीं हो पाएगा, तो कुछ प्राइवेट में जाएंगे, कुछ रह जाएंगे। तो उन बच्चों जो रह जाएंगे, उन बच्चों को क्या करना चाहिए, तो उन बच्चों को करना चाहिए, मैं, आपने मर्चेंट नेवी का नाम सुना होगा। अगर अगर आपने नहीं सुना है तो आप ऑनलाइन जाके देखो मर्चेंट नेवी क्या होता है। मर्चेंट नेवी होता है, हमारा इंडियन नेवी है, तो नेवी का काम, मर्चेंट नेवी का काम वही होता है जो कि शिप पे रहते हैं वो। बस उनका काम ये होता है कि जो लॉजिस्टिक का काम करते हैं वो, मतलब कि अगर मान लो कि अगर इंडिया जो है हमारा अमेरिका से कुछ सामान मंगा रहा है, कुछ मान लो कि वेफर मंगा रहा है, कुछ खाने पीने का सामान मंगा रहा है, ठीक है, तो वो कहाँ से आएगा, या तो वो फ्लाइट से आएगा या फिर वो शिप, बाय शिप आएगा। तो जो जो शिप से हम जो सामान लोड करके लेके आएंगे, ठीक है, उस उन कैडेट को कहते हैं मर्चेंट नेवी, ठीक है। उनके कैप्टन की अलग सैलरी रहती है, यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी 1,16,000, 1,60,000 पर मंथ होती है, स्टार्टिंग सैलरी ही होती है, ठीक है। तो इसमें आपको कौन सा एग्जाम आपको देना चाहिए, कौन सा नहीं देना चाहिए, ठीक है, और कैसे आप क्लियर कर पाओगे, मैं बता दूं, जो इसका जो एग्जाम होता है जेई मेंस से काफी आसान होता है। तो अगर आपने जेई मेंस के लिए तैयारी करी है तो 110% मैं आपको कह सकता हूं कि अगर आपने जेई मेंस के लिए पढ़ा है और आपको जेई मेंस में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए आप, तो हो सकता आपको 110% कि आपको मर्चेंट नेवी आप क्लियर कर लोगे एग्जाम, ठीक है। बस इसमें थोड़ा फिजिकल होता है, वो भी आप कर लोगे आसानी से, ठीक है। तो मैं बता दूं कौन सा एग्जाम है, IMU, ठीक है, इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी, CET, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। ये एग्जाम होता है, देखो हर साल होता है, 29 अगस्त, इसी साल 29 अगस्त, इसी महीने इसका एग्जाम भी होने वाला है, ठीक है। आप ट्राई करो, देखो फॉर्म भरने में कुछ नहीं जाता, 1,000 फीस होती है इसकी, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप इस साल आपने नहीं भरा तो नेक्स्ट ईयर आप भर लेना, क्योंकि मैक्सिमम एज 25 है। तो अब मुझे पता है जो अभी मेरी वीडियो जो भी देखता है उसकी एज, किसी भी बच्चे की एज 25 नहीं होगी, 17-18 होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जेई मेंस के लिए तैयारी भी करनी है और नेक्स्ट ईयर के लिए जेई मेंस के लिए तैयारी भी करनी है, और साथ साथ में आपको जेई मेंस की तैयारी जब कवर करते हो तो उसी सेम सिलेबस के साथ आप मर्चेंट नेवी का एग्जाम दे सकते हो, IIMU CET, ठीक है, तो दे सकते हो। तो आप मर्चेंट नेवी जेई मेंस के एग्जाम देते मतलब तैयारी करते समय आप उसका भी फॉर्म भर दो, अगर आप क्लियर कर पाते हो, देखो। और मैं बोलूंगा आपको मर्चेंट नेवी के अंदर जो IIMU यूनिवर्सिटी है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ आपकी, यहाँ पे 110% श्योरिटी होती है कि आपको जॉब मिल ही जाएगी, ठीक है। और अगर जॉब मिल जाती है आपको तो मिनिमम सैलरी आपको 1,60,000 रहेगी, 1,60,000 रुपये यहाँ पे मिनिमम सैलरी स्टार्टिंग होती है ये, और मैक्सिमम सैलरी यहाँ पे जाती है आपकी 8 लाख 10 लाख, और कैप्टन की सैलरी जाती है जो आपको 8 लाख पर मंथ अगर सैलरी मिलती है, ये मैक्सिमम सैलरी है। और मिनिमम सैलरी भी बहुत कम, ज़्यादा कम नहीं है, 1,60,000 रुपये सैलरी है। यहाँ पे आपको क्या करना, 8 से 10 महीने आपको शिप पे रहना होता है, बाकी 4 महीने आप घर पे रहते हो, तो मतलब काफी अच्छा रहता है, ठीक है, माहौल, और बाकी अच्छी जॉब होती है, ठीक है। ये मैं आपको ये करने के लिए नहीं बोल रहा, और अब अगर आपको बीटेक ही करना है तो ये भी बीटेक, जब आप यहाँ पे इसका फॉर्म भरोगे, कॉलेज में जाओगे, तो आपको जो डिग्री जो मिलेगी वो बीटेक ही डिग्री मिलेगी, बस इसमें मैरीटाइम मिलेगी, मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का रहेगा, ठीक है, जिसमें सी वगैरह का जो आपको पढ़ाया जाएगा, इसमें आपको स्विमिंग वगैरह सिखाया जाता है और काफी चीजें, ठीक है, आग वगैरह से कैसे फाइट करना है, उनसे चीजें आपके बारे में सिखाया जाता है, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही था, क्यों, और मेन टॉपिक क्या था इस वीडियो में, था कि आपको अगर आपका जेई मेंस में नहीं हो पा रहा है, ठीक है, हो सकता है कि आपका फिजिक्स ना स्ट्रांग ना हो, या फिर केमिस्ट्री स्ट्रांग ना हो, मैथ स्ट्रांग ना हो, उसके कारण अगर आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा हो, अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे हो, तो ये एक चांस है कि अगर एग्जाम देते हो हमारा IIMU का, तो आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है, एडमिशन हो जाता है तो अच्छी सैलरी आपको मिल जाएगी। अब बेसिकली हम बीटेक क्यों करना चाहते हैं, इंजीनियर क्यों बनना चाहते हैं, बेसिकली हमारा जो मोटो है, हमें सैलरी चाहिए, हमारा अच्छी सैलरी चाहिए। तो अच्छी सैलरी हमें चाहे हमारा चाहे जेई मेंस में मिले, चाहे हमें बीटेक करके हमारा मर्चेंट नेवी में मिले, ठीक है। तो 1,60,000 स्टार्टिंग सैलरी होती है, और मैक्सिमम हमारा 8 से 10 लाख रहती है कैप्टन की सैलरी। बाकी देखो वीडियो में इतना ही था, वीडियो करना लाइक, चैनल करना सब्सक्राइब, और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।